हेलो, कहाँ पे हो? तुम घर पहुंच गए? हाँ, मैंने सोचा आज कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। तुम मुझे पहले बताती, मैं तो ऑलरेडी कॉलीग्स के साथ डिनर पे इनवाइटेड हूँ। ओह, अच्छा, चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाजी, ये कुछ बिल्स हैं और ये बच्चों की स्कूल के फीस के वाउचर्स हैं। अगर आज जल्दी घर आए गई हूँ, ये बिल्स का अंबार मुझे ना दो, कोई साहब को भी दे दिया करो। वो कहते हैं कि आपको दूं। कल सुबह कोई ऑफिस से आएगा और ये सारे बिल्स ले जाएगा। अब तुम जाओ। जी बेटा। अक्सर सोचती हूँ जन्नत जी, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। इतने चाहने वाले, इतना प्यार, इतना, ये सब कैसे मिल गया आपको? फिर सोचती हूँ, आप हैं ही इस काबिल कि आपको पलकों पर बिठाया जाए, और इसीलिए बिठाते हैं लोग। फारूक भाई की कॉल है, उनसे बात कर लें। हर बार मेरे फोन पर कॉल करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करनी। क्यों, आपका और उनका कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, आप दोनों का तो कभी झगड़ा नहीं होता था, अब हो गया तो सुलह कर ली। सुलह करती है मेरी जूती। फारूक, कब से बुला रही हूँ, खाना लगा दिया मैंने, आ जा। मुझे भूख नहीं है अम्मी। क्यों परेशान हो रहा है? मिल जाएगी नौकरी, मैंने नया वजीफा शुरू किया, देखना इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब लाइट बंद कर दें, मुझे सोने दें। क्या मतलब मैंने सोना है? ये कौन सा वक्त है सोने का? आ जा, मैं इंतजार कर रही हूं। ड्रामेबाजी नहीं खत्म होती इसकी, जल्दी आ जा।
इस काम के लिए जनरल से मिला था। अगर मुझे पता होता तुम्हें तो मैं कभी यहाँ आ जाता। कोई गुनाह का काम नहीं है, नौकरी है। क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी की? तो बस जरूरत है। मैं खाला से बात कर रहा हूँ। क्या कहोगे तुम उनसे? यही कि वो तुम्हें इजाजत ना दे। इजाजत तो मैं लेके ही रहूंगी। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तुमसे पूछ कौन रहा है? तो क्या अपडेट है वार्डन नेक्स्ट डे की? सर सारी अपडेट्स बात सुनो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, मैं बस आके बैठ रही हूँ। अंबर का क्या करना है? क्या मतलब? उसका सीरियल चलने वाला है हमारे चैनल पर। जीएम ने कहा है कि उसको पूरी तरह से प्रमोट करो, पूरी कास्ट को बुलवाने का कहा है। उन्हें कहता हूँ कि हम उनको नहीं बुलवाएंगे और ना ही उन्हें प्रमोट करेंगे, बल्कि एक दो एपिसोड चलने दो उसकी, फिर देखना मैं कैसे रोंद के रखती हूँ उसकी परफॉर्मेंस को। चैनल खफा ना हो जाए अपने ही किसी सीरियल पर तनकीद करने पर। होते हैं तो होने दो, या तो वो जन्नत को रख लें या फिर अंबर को। जन्नत ही रखेंगे, वो मजबूरी है उनकी। वो लड़की की कॉल आई। ओ, उसका CNIC वगैरह मैंने लिया है सिक्योरिटी चेक के लिए, मगर फिर उससे रابطہ नहीं हुआ। अच्छा तो उसको खुद कॉल कर लो, मुझे बैकिंग शुरू करनी है कुछ दिनों में, तो अगर ज्वाइन कर लेती है तो अच्छा होगा। मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है, ओके। पहले कभी नौकरी की है? नहीं। तो बच्चे कैसे संभालूंगी? आपके बच्चे हैं, उनके लिए मैं सब कुछ कर लूंगी। तनख्वाह कितनी लूंगी? मुझे बस आपकी तकलीफ बांटनी है। तनख्वाह लेने के लिए नहीं आई। मेरी तकलीफ? जी, वो चंदा ने बताया था कि आप मेड के लिए परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तबस्सुम, तूने खाना नहीं खाया, कितनी देर से रखा हुआ है? मेरे वर से। कुछ अकल कर तबस्सुम। हाँ, मैं बेअकल हूँ, सोने दे मुझे। बच्चे भी आ रहे हैं 2 दिन से पढ़ने के लिए, उनको भी लटकाया हुआ है। मुझे नहीं किसी को पढ़ाना। हाँ, तो जो कमेटी मैंने डाली है उनका क्या बनेगा? उम्मीद, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। इतनी बेफैज तो तू कभी नहीं थी तबस्सुम, क्या हो गया तुझको जन्नत को मिलकर? अम्मी जो कहना मुझे कहें, जन्नत जी को कुछ मत कहें।